हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला में। रिसेंटली अगर हम देखें तो दो वैकेंसीज अभी करंटली निकली हुई है, एक तो जिसकी लास्ट डेट ओवर हो चुकी है और एक अगर हम देखें LIC की जिसकी लास्ट डेट अभी बाकी है एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए। तो PNB और LIC दोनों ने IT ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकाली है। LIC के अंदर अगर हम देखें तो AAO के नाम से वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है और अगर PNB की हम बात करें तो जूनियर मैनेजमेंट के अंदर JMGS ग्रेड वन के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे दोनों जो वैकेंसीज हैं इन दोनों का सिलेबस जो है वो करीब करीब सिमिलर है। PNB की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा जो लेवल होगा एग्ज़ाम का वो थोड़ा सा टफ हम नहीं बोल सकते, थोड़ा मॉडरेट लेवल रहेगा। लेकिन LIC की अगर हम बात करें तो ये फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ के अगर हम एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो ये करीब करीब सिमिलर रहेगा आपके IBPS का जो SOIT का एग्ज़ाम होता है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो IBPS कंडक्ट करता है पर ईयर। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि IT ऑफिसर की वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ IBPS PO निकाला करता था पिछले कुछ सालों से। SBI की अगर हम बात करें तो वहाँ पे वैकेंसीज काफ़ी कम निकलती है, इस साल वैकेंसीज उसकी अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है। तो यहाँ पे आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है, आप प्रिपरेशन इसकी कर सकते हैं। सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस देखो क्या क्या रहेगा। बेसिकली अगर हम देखें तो सारे के सारे वो सब्जेक्ट्स जो IT ऑफिसर के एग्ज़ाम में आप लोगों ने अगर IT ऑफिसर का एग्ज़ाम दिया है तो उसके लिए जो सब्जेक्ट आपने प्रिपेयर किए होंगे वही यहाँ पे सब्जेक्ट रहने वाले हैं, कोई दूसरे सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं रहेंगे। हाँ, थोड़ा ये हो सकता है कि जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस का जो वे है वो सिमिलर हो जाए थोड़ा LIC के अकॉर्डिंग। यानी कि जैसे एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोग लें कि अभी करंटली LIC जिन सॉफ्टवेयर को यूज़ में ले रहा होगा, या फिर हम ऐसा देखें कि वो वाले मोबाइल एप्लीकेशन जो रिसेंटली अभी यूज़ में ली जा रही होंगी तो थोड़ा उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए जाएँ। तो इसमें हम सिलेबस एक बार देख लेते हैं। अच्छा, अगर आप लोग कोर्स परचेज करना चाहते हैं, कोर्स लेना चाहते हैं, तो IT ऑफिसर का जो कोर्स हम लोगों ने चलाया हुआ है आप वो वाला कोर्स ले सकते हैं। क्योंकि प्रोफेशनल नॉलेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सारा का सारा जो टॉपिक है, जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स हैं या फिर हम देखें जितने भी यहाँ पे मॉड्यूल्स बनाए गए हैं वो सारे के सारे मॉड्यूल सिमिलर हैं। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आने हैं वो कॉन्सेप्ट से आने हैं, कॉन्सेप्ट सारे के सारे सेम हैं। तो वीडियो को इसको कंटिन्यू करते हैं, हम सिलेबस एक बार देख लेते हैं। देखो, सबसे बेसिक क्वेश्चंस जो बनते हैं आपके वो कंप्यूटर अवेयरनेस से बनते हैं। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो ये सबसे ईजी टॉपिक्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसे पहला पॉइंट अगर हम देखें कंप्यूटर हिस्ट्री, कंप्यूटर हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेसिकली आप एक बार देख सकते हैं कि कौन से टाइम पे या फिर कौन से जनरेशन, बेसिकली हिस्ट्री का मतलब जनरेशन ही होता है कि कौन से जनरेशन में क्या यूज़ में लिया जाता था। तो वो वाला पार्ट यहाँ पे एक बार आप देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। पेरीफेरल डिवाइसेज की अगर हम बात करें तो पेरीफेरल का मतलब क्या होता है, वो वाली डिवाइसेज जो अलग से ऐड की जाती है, मतलब कि एक्सटर्नल डिवाइसेज जितनी भी होती है जो कंप्यूटर के साथ में, जैसे माउस हुआ, कीबोर्ड वगैरह हुए, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैकेनिकल माउस है या फिर ऑप्टिकल माउस है, इनसे कुछ क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स की अगर हम बात करें तो दो बेसिक टाइप होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ पे जो बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं वो या तो एप्लीकेशंस पे बन जाते हैं, एप्लीकेशंस इन द सेंस जो हम लोग यूज में लेते हैं, मतलब जिनको हम खुद से इंस्टॉल करते हैं वो वाले सॉफ्टवेयर्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स वो वाले जो सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह हुए या फिर डिवाइस ड्राइवर्स हुए, इंटरनेट और इसकी सर्विसेज भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। इंटरनेट जो है ये आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक एक हो चुका है। तो यहाँ पे देखो काफ़ी बड़ा ये एक पार्ट है, इसके अंदर कंप्यूटर नेटवर्किंग वाले सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाते हैं। साथ ही साथ जो सर्विसेज यहाँ पे मिलती हैं आपको, चाहे वो 2G हो, 3G हो, 4G हो, और अब तो 5G भी आ चुका है, 5G के मोबाइल हैंडसेट्स हैं जो लॉन्च होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो उन पे भी यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। साथ ही साथ किस किस टाइप की सर्विसेज होती है, जैसे आपकी देखें DSL होता है या फिर हम लोग देखें ADSL होता है या फिर डायलअप कनेक्शन है या ब्रॉडबैंड कनेक्शन, तो कनेक्शन के टाइप्स जो हैं उन पे भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी जो है इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। मेमोरी इन द सेंस कि रजिस्टर से लेके आपकी हाई एंड जहाँ पे डेटा आप स्टोर कर सकते हैं, मतलब सबसे छोटी मेमोरी से लेके सबसे बड़ी मेमोरी तक जितने भी आपके टाइप्स हैं अलग अलग मेमोरीज के, प्राइमरी सेकेंडरी के अंदर, उन पे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। कंप्यूटर के कीवर्ड, देखो कीवर्ड जो होते हैं बेसिकली इनसे क्वेश्चन बहुत कम हो चुका है, बहुत रेयर चांसेज होते हैं इनसे क्वेश्चन आना, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
जैसे एग्जांपल अगर हम देखें कि एचटीएमएल देखें आपको पूछ लिया गया, तो ये बहुत इजी से क्वेश्चंस बन जाते हैं। वैसे पहले पीओ या फिर क्लर्क के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया करते थे, एसओ के अंदर ऐसे क्वेश्चंस नहीं डाले जाते हैं। या फिर हम यहाँ देखें तो एक बार फिर भी आप पढ़ लीजिएगा, एब्रिवेशन और कीवर्ड कंप्यूटर के, इन दोनों पे जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस वो हैं जो डायरेक्टली आप लोग मतलब पढ़ के टिक लगा सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कंप्यूटर सिक्योरिटी, देखो बैंकिंग का अगर एग्ज़ाम है कोई सा भी एग्ज़ाम, तो वहाँ पे कंप्यूटर सिक्योरिटी सबसे मस्ट होता है कि आप उसको पढ़ लें। इसके अंदर आप लोग जो नॉर्मल से इसके अंदर टॉपिक्स होते हैं, जैसे आपके पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है या फिर प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी है, तो ये जो है आपकी सिमेट्रिक है या फिर नॉन सिमेट्रिक की है, इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे पढ़ लेना चाहिए आपको। वो वाले क्वेश्चंस यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। ये तो बात हुई आपकी कि बेसिक कंप्यूटर के अंदर कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। इसके लिए देखो बुक की अगर हम बात करें तो इसकी अरियन पब्लिकेशन की बुक एक आती है कंप्यूटर अवेयरनेस के नाम से, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। हालाँकि ये वाले क्वेश्चन अगर आप लोगों ने बीटेक किया हुआ है या फिर आप लोगों ने नॉर्मल सी बात है कि इंजीनियरिंग अगर आप लोगों ने की है, तो ये वाले मोस्टली क्वेश्चन के आंसर आप डायरेक्टली दे सकते हैं। अब एक एक करके सारे सब्जेक्ट देख लेते हैं। पहला सब्जेक्ट अगर हम देखें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ये कैटेगरी में आता है, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं, देखो आजकल जो है कंप्यूटर का जो, पहले देखो क्वेश्चन जैसे आया करते थे, पहले अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस रहा करते थे, पूरे सब्जेक्टिव मटेरियल पे क्वेश्चंस रहा करते थे, लेकिन अभी अगर हम देखें तो आपके यूज़ के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनने लगे हैं। तो यहाँ पे DBMS की अगर हम बात करें तो सारे जो बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हैं उन सब के अंदर DBMS और आपका इंटरनेट मतलब कंप्यूटर नेटवर्क जो है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके ज़्यादातर बनते हैं। DBMS पे जोर ज़्यादा क्यों दिया जाने लगा, क्योंकि अभी अगर हम देखें जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी ऑनलाइन हो चुकी है, ऑनलाइन हो चुकी है कि नॉर्मल सी बात है, तो उनको कहीं ना कहीं स्टोर किया जा रहा होगा। स्टोर किया जा रहा है मतलब कि उसके लिए एक डेटाबेस हैंडल किया जा रहा होगा, तो वहाँ के क्वेश्चंस बन सकते हैं। और ये सारा का सारा जो है आपका ये बैकग्राउंड में होता है, ये फ्रंट एंड पे नहीं होता है, बैक एंड में होता है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बेसिकली बन जाते हैं आपके। क्वेश्चन किन किन पॉइंट्स पे बन सकते हैं, डेटाबेस के आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन बन सकते हैं। आर्किटेक्चर देखो बेसिक होता है, इस पे आपके क्वेश्चन बेसिक बेसिक से बनते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो थोड़ा डिटेल में अगर हम देखें तो RDBMS आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है। उसके बाद कीज़ जो आपकी होती हैं, कीज़ की अगर हम बात करें तो आपकी प्राइमरी की है या फिर फॉरेन की है या फिर कंपोजिट की है, कैंडिडेट की है, इन कीज़ पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। सुपर की आपकी है। व्यूज़ अगर हम देखें डेटाबेस के अंदर, व्यूज़ जो अलग अलग होते हैं उन व्यूज़ पे आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन की अगर हम बात करें तो नॉर्मलाइजेशन पे काफ़ी सारे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। देखो नॉर्मलाइजेशन में जो फॉर्म्स आपको पढ़ लेनी है वो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड BCNF, बॉयज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म जो है आपकी, यहाँ तक आपको पढ़ लेना है, इनके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें तो SQL की क्वेरीज पे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। फॉर्मेट जो यूज़ में लिए जाते हैं उन फॉर्मेट पे क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो बेसिकली होता क्या है कि आपको एक फॉर्मेट लिख के दे दिया जाता है, उस फॉर्मेट के अंदर कुछ मिस्टेक रहती है, फॉर्मेट किस चीज़ का, SQL की क्वेरी का, तो उस फॉर्मेट के अंदर कुछ मिस्टेक रहती है, आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा इसका सही फॉर्मेट रहेगा, या फिर उसके एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मॉडल्स की अगर हम बात करें तो ER डायग्राम और डेटा मॉडल्स पर आपके क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो ईजी होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, तो ये वाले क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, ट्रांजेक्शन जो है डेटाबेस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन जो हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें एसिड प्रॉपर्टी, एसिड प्रॉपर्टी ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा एसिड प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर ACID जो है ये अलग अलग पार्ट हैं सारे के सारे, डिटेल में हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। आप लोगों को अगर ये सारे टॉपिक्स अगर आपके क्लियर नहीं हैं तो आप जो IBPS सोसाइटी वाला कोर्स है वो ले सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें डिटेल में आपको मिलेगी। DBA के अगर हम बात करें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, नेक्स्ट अगर हम देखें तो डेटा वेयर हाउस या डेटा माइनिंग, इन पे भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। तो ये DBMS वाला पार्ट है कि आपको देखो DBMS जो है वो काफ़ी ब्रॉड एक सब्जेक्ट है, उसमें सेलेक्टिव चीज़ें जो हैं वो हमने जो आपको बताई है ये आप कवर कर सकते हैं, इतनी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क भी बहुत बड़ा पार्ट है, एक बहुत ब्रॉड लेवल पे है कंप्यूटर नेटवर्क, लेकिन इसमें पढ़ क्या क्या लेना है आपको, नेटवर्क के टाइप कौन कौन से होते हैं, जैसे पैन हुआ, पर्सनल एरिया नेटवर्क, सबसे छोटा नेटवर्क कहलाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, या फिर मैन हुआ, वैन हुआ, लोकल एरिया नेटवर्क हुआ, लैन, या फिर टोपोलॉजी जो हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। IP एड्रेसिंग की अगर हम बात करें तो version 4 और version 6, इन दोनों पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो IP एड्रेसिंग के साथ ही आपका सबनेटिंग और
मास्किंग के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बन जाते हैं, साथ ही साथ अगर हम देखें तो OSI मॉडल एंड TCP/IP मॉडल, इन पे भी आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। सॉरी नेक्स्ट अगर हम देखें तो राउटिंग एल्गोरिथम। अच्छा देखो, OSI मॉडल के अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं इसमें हर लेयर पे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, जितने भी लेयर्स हैं, 7 लेयर्स टोटल इसके अंदर होती है, जितनी भी लेयर्स हैं उन लेयर्स के सारी के फंक्शंस और सभी लेयर्स के ऊपर काम करने वाले प्रोटोकॉल्स, तो उन पे क्वेश्चंस यहाँ पे बेसिकली बन जाते हैं। राउटिंग एल्गोरिथम की अगर हम बात करें तो राउटिंग एल्गोरिथम में आपको क्या क्या कवर कर लेना है, जितनी भी टाइप की राउटिंग एल्गोरिथम हैं उनकी बेसिक वर्किंग, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी राउटिंग एल्गोरिथम जो है वो इफ़िशियंट है, किस तरीके से उनका वर्किंग होता है, उनके क्या ड्रॉबैक है, क्या एडवांटेज है, ये सारे आपको पता होना चाहिए। नेटवर्क डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो डिवाइसेस काफ़ी सारे डिवाइसेज हैं, सारी हमको कवर नहीं करनी है, लेकिन बेसिक जो डिवाइसेज हैं जो जनरली यूज़ में ली जाती है। अब जनरली यूज़ में लेने का मतलब क्या है कि एक अगर हम नॉर्मल सा एक नेटवर्क बना रहे हैं तो वहाँ पर कौन कौन सी डिवाइसेज की हमको ज़रूरत पड़ेगी, जैसे वहाँ पर हब की ज़रूरत पड़ सकती है, स्विच की ज़रूरत पड़ सकती है, राउटर की ज़रूरत वहाँ पर पड़ सकती है, गेटवेज की ज़रूरत पड़ सकती है, अगर हमारे जो नेटवर्क है उसमें दो नेटवर्क अलग अलग हैं या दो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेटवर्क हैं, या फिर ब्रिज की वहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद अगर हम देखें डेटा ट्रांसमिशन की टेक्निक, देखो डेटा ट्रांसमिशन की जो टेक्निक है और डेटा ट्रांसमिशन के जो मोड्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आपको कवर कर लेना है। उसके बाद अगर हम देखें नेटवर्क सिक्योरिटी में इनक्रिप्शन जो है ये आपको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि देखो आजकल जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो ऑनलाइन होते हैं, अभी जस्ट हमने पहले डिस्कस किया था। ऑनलाइन का मतलब क्या है कि वहाँ पे फ्रॉड भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो उन फ्रॉड्स को बचाने के लिए या फिर जो मिस हैपनिंग्स हैं उनको होने से रोकने के लिए इनक्रिप्शन बेसिकली यूज में लिया जाता है। तो अगर अभी का हम सिनेरियो देखें तो अभी 128 बिट का इनक्रिप्शन यूज में लिया जाता है, तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज में ली जाती है उन पर आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ HTTP और HTTPS, ये पता होगा वैसे आपको कि सिक्योर्ड अगर वेबसाइट है तो वहाँ पर HTTPS बना हुआ आता है, लिखा हुआ आता है सॉरी, तो वो उस पर उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मालवेयर और सिक्योरिटी थ्रेट्स, मालवेयर्स जो हैं जितने भी टाइप हैं आपके, जैसे वायरस हुए, वॉर्म हुए, या फिर अगर हम देखें कि अलग अलग टाइप के जो अटैक्स हैं या फिर जो वायरस, अभी तक ऐसे एक चीज़ देखिएगा कि जो फर्स्ट वायरस था या फिर जो रिसेंट में जिसने अटैक किया है, ये जो सिक्योरिटी थ्रेट अभी मिले हैं, जैसे अगर आप लोगों ने अभी रिसेंटली फेस किया हो, किसी ने रैनसम वेयर अटैक हुआ था या फिर पेटिया अटैक के नाम नाम से आपने सुना होगा, तो ये सारे के सारे पार्ट आपको कवर कर लेना है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। यहाँ से क्वेश्चंस बेसिकली कम बनते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस बनते हैं वो पूरे प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। SDLC जो है आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसके फेजेस पे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। केस टूल्स जो है यहाँ पे आपके क्वेश्चंस काफ़ी सारे बन जाते हैं। या फिर नेक्स्ट अगर हम देखें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मॉडल्स जो है, जैसे वाटरफॉल मॉडल है, विन-विन स्पायरल है, विन-विन मॉडल है और स्पायरल मॉडल है, दोनों अलग अलग है वैसे, प्रोटोटाइप है आपके प्रोटोटाइप मॉडल, या फिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है। देखो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे अलग अलग टेस्टिंग मेथड्स आ जाते हैं, जैसे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसके एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड, यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बेसिकली क्लाइंट और सर्वर, वो वाले क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसको थोड़ा आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो ERP एंटरप्राइजेज रिसोर्स एंड प्लानिंग, SAP एंड MIS, ये जो है आपके तीनों टॉपिक ये भी इंपॉर्टेंट है, उनका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आप देख लीजिएगा, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, ये नेक्स्ट आपका टॉपिक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक जो होते हैं, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क किस तरीके से करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, कौन कौन सी बेसिक चीज़ें इसको करनी होती है, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपके बन जाते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस जो है एक सिंगल प्रोसेस के पार्ट जो है अलग अलग, उन पे यहाँ पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप, यहाँ से देखो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, टाइप इन द सेंस कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर है, मल्टी यूजर है, सिंगल टास्किंग है, मल्टी टास्किंग है, किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। उसके बाद अगर हम देखें तो फिर आता है आपका मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात अगर हो तो वहाँ पे जो मेन क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो है आपके प्रोसेस मैनेजमेंट से रिलेटेड, या फिर अगर हम देखें तो डेडलॉक वगैरह जो है वो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही क्वेश्चंस रहते हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट यहाँ पे है पेजिंग एंड सेगमेंटेशन।
तो पेज पेज टेबल वगैरह या फिर पेज टेबल वगैरह की फॉर्मेशन वगैरह पे क्वेश्चन, सेगमेंट्स जो बनते हैं, सेगमेंटेशन जो होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, पैरेलल प्रोसेसिंग जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अच्छा देखो, इसमें भी ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो थ्योरेटिकल ही आने हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पर कम पूछे जाते हैं, और अगर पूछ भी लिए गए तो वो बेसिकली रहेंगे आपके जनरल यूजेस के ऊपर। जैसे आप एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका कौन सा भी लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है, या फिर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग एटीएम मशीन्स वगैरह में यूज़ में लेते हैं, या फिर कौन कौन से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट आता है आपका कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो कंप्यूटर के आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सबसे बेसिक पार्ट है इसका, कंप्यूटर आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बेसिकली एक प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, आपकी ALU होता है, एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट होता है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये आर्किटेक्चर जो है, इस पर आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको नॉन वॉल्यूमेन आर्किटेक्चर कहा जाता है। उसके अलावा अगर हम देखें टू लेवल और थ्री लेवल आर्किटेक्चर, टू लेवल और थ्री लेवल जो है इसमें जो वर्क है उनको अलग अलग डिफाइन कर दिया जाता है, तो इन पर भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस जो है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, बेसिकली इंस्ट्रक्शन जो है ये चीज़ ध्यान रखिएगा असेंबली लैंग्वेजेस वगैरह में रहते हैं। या फिर अगर हम देखें डेटा बसेज, डेटा बस है आपकी कंट्रोल बस है, या फिर हम देखें कि देखो कंट्रोल बस जो है वो सिग्नल बसेज होती है बेसिकली, या फिर एड्रेस बस है, तो इन पे आपके क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। पाइपलाइनिंग और इंटरप्ट्स पे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। पाइपलाइनिंग जो है ये पैरेलल प्रोसेसिंग का कंसेप्ट है एक तरीके का, और इंटरप्ट जो है इंटरप्ट हैंडलिंग, या फिर इंटरप्ट क्यों अकर होता है, किस टाइप से जो चीज़ अकर होती है उसको इंटरप्ट कहा जाता है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो आपको यहाँ पे कवर कर लेना है, माइक्रो प्रोसेसर पे डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आता है आपका कैश मेमोरी मैपिंग प्रोसेस। देखो यहाँ पे मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो या तो है आपके माइक्रो प्रोसेसर या फिर है आपके कैश मेमोरी। कैश मेमोरी में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, इसमें मैपिंग प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चंस आपके बन जाता है। कैश मेमोरी जो है वो किस टाइप की मेमोरी है उस पर आपका क्वेश्चन बन जाता है। कैश मेमोरी के अलग अलग टाइप पे जैसे L1 है, L2 है, L3 है, उन पे आपके क्वेश्चन बन जाता है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके बन जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है आपका डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर की देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं ये नॉर्मल क्वेश्चन हैं, जैसे डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम पे बनने वाले क्वेश्चन। काफ़ी सारे एल्गोरिथम है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों को पता होगा, तो उन एल्गोरिथम से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उप्स जिसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके फीचर्स से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। डेटा मर्जिंग एंड डेटा सॉर्टिंग की जो एल्गोरिथम्स है वो आपको पढ़ लेनी है एक बार, उनसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। स्टेक एंड क्यू, इनके ऑपरेशन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, और ये कहाँ पे यूज़ में ली जाती है, किस किस चीज़ में इनका यूज़ होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्टेक एंड क्यू के मेमोरी ऑपरेशंस जो होते हैं उन पे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नॉर्मल से क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। स्टेक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आपका होता है, फर्स्ट इन लास्ट आउट होता है, सॉरी, अगर क्यू की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, जो पहले एंटर हुआ है वो निकलेगा भी पहले बाहर। स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इस पर जो है डायरेक्टली क्वेश्चन आपके बनते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी एल्गोरिथम आपको दे दी गई उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपसे पूछ ली गई, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे जनरली आपसे पूछ लिए जाते हैं। सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस और जावा, इन तीनों के अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बेसिक बनते हैं इनके कॉन्सेप्ट्स पे, मेन मेन इनके जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स पे। तो सी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स जो बेसिक होते हैं ये सभी को पता होगा आप लोगों को। इसके अंदर जो होते हैं जैसे लूप होते हैं, एंट्री एंड एग्जिट कंट्रोल लूप, लूप जो होते हैं जैसे इफ़ हुआ या फिर फोर हुआ, तो इस टाइप के जो लूप हैं, वाइल डू वाइल, इन पे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। अरेज जो होते हैं उन पे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। फंक्शन, फंक्शन जो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक यूजर डिफाइन होता है, एक प्री डिफाइन होता है, उन पे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके अलावा जो आपको इसमें पढ़ लेना है वो है स्ट्रक्चर एंड यूनियन, और पॉइंटर्स जो हैं ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की कैटेगरी में आते हैं। तो ये वाला पार्ट जो है आपको सी के अंदर कवर कर लेना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्रोग्रामिंग आपको नहीं सीखनी है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सी प्लस प्लस की अगर हम बात करें तो अभी जस्ट हमने देखा था कि डेटा स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर आपके उस फीचर्स थे, तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसके फीचर्स यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। फीचर्स जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे इनहेरिटेंस है, फ्रेंड फंक्शन है, पॉलीमॉर्फिज्म है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स है, एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्लासेज है, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर है, या फिर वर्चुअल फंक्शन है। ये सारे के सारे फीचर्स ही हैं एक तरीके से, लेकिन ये सी प्लस प्लस को स्ट्रांग बनाते हैं। तो ये वाली जो चीज़ें हैं इन पर रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जावा की अगर हम बात करें तो
तो जावा के अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं, देखो जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस काफ़ी सारे बन जाते हैं। जावा के फीचर्स, इंटरफेसेस जो है जावा के अंदर, जो पैकेजेस हैं, जो एप्लेट हैं, और जावा की API जो है, इन पे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें जावा के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उनको मेथड कहा जाता है, तो क्लास, ऑब्जेक्ट और मेथड जो है जावा के अंदर किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, कैसे उनको लिखा जाता है, तो उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर हो सकता है कि आपको एक छोटा सा कोड लिख के दे दिया जाए, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, फंक्शन के एग्जीक्यूशन से, फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन कॉल, इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो ये जावा का पार्ट है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, उसका रीज़न क्या है, तो ये पूरा थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, इस पर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा कुछ और टॉपिक जो हैं जो रह जाते हैं, देखो सबसे बेसिक्स तो आप लोग एक चीज़ क्लियर कर लीजिएगा कि जितनी भी एप्लीकेशंस अभी जितने भी बैंक ने अपनी अपनी एप्लीकेशंस लॉन्च की हुई है उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ है वो जितनी भी एप्लीकेशंस है आजकल UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पे वर्क करती है, वो नॉलेज आपको होना चाहिए। आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी देख लेनी है कि कौन कौन से जो न्यूली लॉन्च्ड स्कीम्स हैं, जो बेसिकली एक IT वाले फील्ड को, मतलब बैंकिंग के अंदर अगर आप IT फील्ड देखें तो उस वाले बंदे को या उस पर्सन को उन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा जो चीज़ें हैं, जो टॉपिक्स हैं जो आपको कवर कर लेने हैं, ओरेकल जो है डेटाबेस के अंदर ये जनरली आता है, ओरेकल डेटाबेस ही है। कनेक्टिविटी अगर हम देखें तो ओरेकल आपको पढ़ लेना है, ओरेकल के वीडियो जो आपको मिल जाएंगे हम लोगों ने अपलोड किए हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट की जो सिल्वर लाइट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, बेसिक इंट्रोडक्शन इसका आप देख लीजिएगा एक बार। ब्राउजर्स जो है वो किस तरीके के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, क्लाइंट होते हैं या सर्वर होते हैं, या फिर अलग अलग टाइप से आपके वर्क करते हैं, उन चीज़ों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। कुकीज़ जो होती हैं, कुकीज़ जो है वो आपके सिस्टम पे स्टोर होती है, काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती हैं जो आपके सिस्टम पे कुकीज़ स्टोर कर देती है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, मेल सर्वर जो है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन जाते हैं। HTML सर्वर्स और सर्च इंजन्स, इनके भी क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मोबाइल और कंप्यूटर सिक्योरिटी, देखो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप बैंकिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ जो है वो है सिक्योरिटी, तो मोबाइल और कंप्यूटर सिक्योरिटी वाला जो पार्ट है इसको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट का जो फ्रेमवर्क है .NET फ्रेमवर्क, इससे आपके क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, बेसिकली कौन सा फ्रेमवर्क अभी यूज में लिया जा रहा है या फिर इसकी नीड क्या है। PHP जो लैंग्वेज है या फिर VB लैंग्वेज है, HTML और CSS, इनका देखो ज़्यादा क्वेश्चन से पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार एज ए इंट्रोडक्शन इनको पढ़ लीजिएगा। एंड्रॉयड की जो APK हैं, मतलब जो एप्लीकेशन होती हैं, एप्लीकेशन पैकेज जो होता है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। एंड्रॉयड की जो वर्किंग है या फिर यूजर इंटरफेस जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे हम इस पर जोर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक दो बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि एंड्रॉयड की वर्किंग से रिलेटेड, मतलब कि जैसे पूछा गया था कि पावर बटन और अगर वॉल्यूम डाउन बटन आप प्रेस करते हैं तो क्या होता है उससे, तो ये जो वर्किंग है या फिर यूजर इंटरफेस जो है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाते हैं। तो ये तो है बात सिलेबस की, कि ये एक रफली आइडिया है कि ये पार्ट आपको कवर कर लेना है। अब अगर हम देखें कि इसमें इन सारे पार्ट के अलावा क्या आपको कवर कर लेना है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अभी रिसेंट इन 2 मंथ के अंदर जो भी न्यूज़ आपको मिलती है जो IT सेक्टर से रिलेटेड है या बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, जिसका इम्पैक्ट IT सेक्टर पे पड़ सकता है या फिर IT का इम्पैक्ट बैंकिंग सेक्टर पे पड़ सकता है, उनसे रिलेटेड नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। कोर्स LIC के लिए या फिर PNB के लिए कोई अलग से है यहाँ पर लॉन्च नहीं होने वाला है। IT ऑफिसर वाला जो पार्ट है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, नीचे हम डिस्क्रिप्शन आपको दे देंगे उसका। कोई क्वेरी अगर आपकी है तो क्वेरी आप पूछ सकते हैं। इस वाले वीडियो के अंदर हम इतना ही करते हैं, थैंक यू।